अगर आप कोई अच्छी स्वॉर्ड यूज करेंगे तो आप इजिली इन स्पाइडर्स को मार सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी घट्टी हो गई हैं। सो दिस इज हाउ एफिशिएंट दिस फार्म इज। आप देख सकते हैं कितना कमाल का फार्म है। हे गाइस, दिस इज वैभव सैनी और स्वागत है आप लोग का माइनक्राफ्ट के एक और नए एपिसोड में। तो जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड में हमने बनाया था लेवल 30 का एन्चांटमेंट सेटअप, जिससे हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे एन्चांटमेंट्स भी मिले थे और फॉर्च्यून 3 भी मिल गया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग लेने से रह गए थे क्योंकि उस टाइम पर हमारा लेवल जो था वो लेवल 30 से कम था। तो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम लोग फाइनली बनाने जा रहे हैं अपने वर्ल्ड का सबसे पहला ईएक्सपी फार्म। ऑटोमेटिक ईएक्सपी फार्म होने वाला है। हम स्पाइडर स्पॉनर का यूज़ करेंगे, जो कि हमें सेकेंड एपिसोड में मिला था जब हम अपनी केविंग ट्रिप पर गए थे। तो गाइस, फटाफट से मैं जाकर आपको स्पॉनर के पास मिलता हूं और हम लोग स्ट्रेट अवे अपना फार्म बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सो गाइस, मैं केव्स में आ गया हूं अपनी और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी केव्स को लाइट अप कर दिया है। बट फार्म बनाना शुरू करने से पहले आप लोग के लिए सरप्राइज है। मैं जब केव्स को एक्सप्लोर कर रहा था मुझे कुछ मिला। जस्ट हैव अ लुक गाइस, मुझे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर भी मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। एंड आई वॉज रियली हैप्पी एट दैट टाइम। काश वो मैंने रिकॉर्ड किया होता। मैं आपको दोबारा अगर दिखा रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग के सामने इन चेस्ट को खोल के लूट चेकआउट करना चाहता था। सो देयर वी गो, दिस इज सो नाइस गाइस। हमें डायमंड का हॉर्स आर्मर मिल गया है। अगर आपको पता हो तो हम हॉर्स का आर्मर क्राफ्ट नहीं कर सकते, हमें मिलता ही है वो अलग अलग लोकेशंस पर। ओके, कर्स ऑफ वैनिशिंग, सो दिस इज नॉट गुड। एक बकेट मिल गई, सो इट्स अ प्लस। और हमें गाइस बीट रूट के सीड्स मिल गए हैं, जो कि सिर्फ आपको अगर पता हो तो मैं बता दूं जंगल बायोम में मिलते हैं। अगर आपको बीट रूट चाहिए तो जंगल बायोम ढूंढना पड़ेगा, बट हमें ऐसे ही मिल गए हैं, सो दिस इज अ नाइस थिंग। थोड़ा गन पाउडर है इधर, स्ट्रिंग्स हैं, वीट है, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो गाइस, मैं फटाफट से अपने स्पाइडर स्पॉनर वाले रूम में चलता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि फार्म कैसे बनाते हैं। सो गाइस, आई एम हेयर फाइनली। मैं अपने स्पाइडर स्पॉनर वाले रूम में आ चुका हूँ। तो अब फटाफट से मैं आप लोग को वो चीज़ें दिखा देता हूँ जिन चीज़ों की आप लोग को जरूरत पड़ने वाली है फार्म बनाने के लिए। आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ 3 हॉपर्स की, 6 ट्रैपडोर्स की, ये मैंने आयरन के ट्रैपडोर्स लिए हैं, आप कोई से भी वुड के ले सकते हैं, एनी विल डू। 2 चेस्ट की जरूरत पड़ने वाली है, आप एक चेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। और 6 स्लैब्स चाहिए आपको और बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत सारे। बिल्डिंग ब्लॉक्स कोई से भी हो सकते हैं, वुड हो सकता है, स्टोन हो सकता है, कॉबल स्टोन, एनीथिंग, इट डजेंट मैटर। तो आप लोग देख सकते हैं कितने कम मटेरियल्स का यूज़ करके हम इस फार्म को बनाने वाले हैं। सो बेसिकली ये फार्म कम से कम मटेरियल्स का यूज़ करके हम लोग बनाने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहने वाला है। सो फटाफट हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सो फार्म बनाना शुरू करने के लिए आपको करना क्या है, पहले इस रूम को एक्सपैंड करना है, एक 9x9 का रूम बना लेना है। तो वो करने के लिए क्या करना है, काउंट करिए स्पॉनर की तरफ से 1, 2, 3, 4, बेसिकली 4 ब्लॉक दोनों साइड एक्सपैंड करना है। ये 3 हो गए, ये 4, ऐसे ही इस साइड भी 3, ये 4 हो गए, ऐसे ही इस साइड। आपको ये चीज़ चारों साइड करनी है। अब बस इसे कार्व आउट कर लेना है, ये सारे के सारे ब्लॉक्स निकाल लेने। मेक श्योर कि आप ये करते हुए इस रूम को पूरा लाइट अप रखें, बीच बीच में टॉर्चेस भी लगाते जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, स्पाइडर्स स्पॉन हो जाएंगे और फिर आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक हो सकता है उनके साथ डील करना, क्योंकि काफ़ी सारी स्पाइडर्स स्पॉन होती हैं एक साथ स्पॉनर से। सो मेक श्योर कि आप लोग इसे लाइट करते हुए चलें। मैं इसको पूरा कार्व आउट कर लेता हूँ फटाफट। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी की सारी वॉल्स को 2-2 ब्लॉक पीछे हटा दिया है। बट आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ ऐसे पैटर्न में आप लोग टॉर्चेस को लगा दो। इससे क्या होगा, जो स्पाइडर्स हैं वो स्पॉन नहीं होंगे और आपको रूम को बड़ा करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगली चीज़ जो हम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं इस रूम की सीलिंग को 6 ब्लॉक्स ऊंचा करने वाले हैं। फिलहाल ये स्पॉनर से 3 ब्लॉक ऊपर है। अगर आपको दिखाऊं मैं तो आप लोग देख सकते हैं 3 ब्लॉक ऊपर है फिलहाल। अब मैं इसको 6 ब्लॉक ऊपर करने वाला हूं, एंड 3। सो इस तरह से इसको 6 ब्लॉक ऊपर आपको एक्सटेंड करना है। सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सीलिंग को 3 ब्लॉक की जगह 6 ब्लॉक ऊपर क्यों कर रहा हूँ। तो बेसिकली गेम के अंदर स्पाइडर्स को ऊपर क्लाइम करने की आदत होती है। अब अगर स्पाइडर्स ऊपर क्लाइम करेंगे तो हम उन्हें मार नहीं पाएंगे और फार्म को पूरी तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारे फार्म की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो सीलिंग को मैं 6 ब्लॉक ऊपर इसीलिए रख रहा हूँ कि 6 ब्लॉक तक स्पाइडर्स को क्लाइम करना थोड़ा दिक्कत होगी उन्हें और वो पूरी तरह क्लाइम नहीं कर पाएंगी। उससे बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, स्पाइडर्स के क्लाइम करने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपके फार्म की एफिशिएंसी जो है वो कम नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम आप लोग 6 ब्लॉक्स तक ज़रूर सीलिंग को ऊपर कर दें, सो दैट आपका फार्म अच्छे से फंक्शन कर पाए। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मैंने सीलिंग को भी 6 ब्लॉक ऊपर कर दिया है। अब सीलिंग के बाद जो दूसरी चीज़ की बारी आती है वो है फ्लोर। आपको फ्लोर को, जैसे कि आपने सीलिंग को 6 ब्लॉक ऊपर किया, फ्लोर को आपको 3 ब्लॉक नीचे करना है। सो ये 3 ब्लॉक हो गया। अब इसको ऑल द वे आपको फटाफट माइन करके निकाल देना है। मैं फटाफट से इसको भी माइन कर लेता हूँ। इस बात का मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ गाइस कि ये जो फार्म है ये सबसे सिंपलेस्ट स्पाइडर स्पॉनर फार्म होने वाला है। इस बात का अंदाजा हम प्रिटी श्योर आपको इसी बात से लग गया होगा कि हमें कितने कम मटेरियल्स की जरूरत पड़ने वाली है इस फार्म को बनाने के लिए। आई होप आप लोग को पसंद आएगा ये वाला फार्म। सो स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक जरूर देखना एपिसोड।
अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल पर चल रही है बहुत ही ऑसम माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल गेम प्ले सीरीज़। अगर आपने सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग सारे एपिसोड्स वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे बिल्ड्स बनाए हैं हमने, जितने आप लोगों ने अभी मेरे बेस पर फार्म्स देखे होंगे, फूड फार्म और भी फार्म्स हैं, उन सब की स्टेप बाई स्टेप हमने एपिसोड्स बनाए हैं, सो प्लीज़ चेक इट आउट। सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने वापस बेस पर आके क्या कर रहा हूँ। सो एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपको दो वाटर बकेट्स की और ज़रूरत पड़ने वाली है, और मैं यही वाटर बकेट्स को लेने के लिए आया था, तो मैं वापस से अपने स्पॉनर वाले रूम में जाकर आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं मैं स्पॉनर वाले रूम में अपने वापस आ चुका हूँ, और मैंने फ्लोर को 3 ब्लॉक नीचे डिग भी कर लिया है। और आप लोग को एक और चीज़ करनी है, अपने स्पॉनर से लेके ऊपर सीलिंग तक सिंगल ब्लॉक की लाइन को कनेक्ट कर देना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पाइडर जो है वो स्पॉनर के ऊपर स्पॉन हो जाती है और फिर वहाँ पर बैठी रहती है आइडल बिना हिले, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, सो दैट हमारे फार्म की एफिशिएंसी बिल्कुल भी कम ना हो। अब जो मैं वाटर बकेट्स लेकर आया हूँ, अब बारी आती है उन वाटर बकेट्स की। तो वाटर का आपको करना क्या है, किसी भी एक कॉर्नर में जिसके अपोजिट साइड आपको फार्म में यू नो ईएक्सपी स्पाइडर को किल करने का जोन बनाना हो, उसके एकदम अपोजिट साइड में आपको वाटर को कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है, एक इस कॉर्नर में और दूसरी वाटर बकेट इस कॉर्नर में। सो कुछ इस तरह से आपको वाटर को प्लेस करना है। सो गाइस, वाटर को कुछ इस तरह से सक्सेसफुली प्लेस करने के बाद आपको अगला स्टेप जो करना है वो ये करना है, जितना फ्लोर ये बचा हुआ है जहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, इसको डिग आउट कर लेना है एक एक ब्लॉक कुछ इस तरह से। ये सारा का सारा डिग कर लूंगा मैं। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, हम लोग वो जगह बनाएंगे जहां पर हम लोग स्पाइडर्स को किल करने वाले हैं फॉर दैट प्रेशियस ईएक्सपी। सो जिस साइड आपने वाटर प्लेस किया है उसके एकदम अपोजिट साइड, ये जो सिंगल वाला ब्लॉक है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको सीधे स्ट्रेट जाना है और यहां पर एक 3x3 का एरिया बनाना है, 3x3 का छोटा सा, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज रूम क्रिएट कर लेना है, और ये 3 ब्लॉक अंदर ही होएगा कुछ इस तरह से। 2 ब्लॉक हो गया, हेयर गोज द 3rd ब्लॉक। सो ये हमारा बन गया वो एरिया जहां पर हम स्पाइडर्स को मारने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी तो यहां पर रुक गया, स्पाइडर्स अंदर तक कैसे आएंगे? सो उस चीज का भी सॉल्यूशन है। उस चीज का सॉल्यूशन ये है कि आपको अब इन ब्लॉक्स को जिस पर वाटर रेस्ट कर रहा है, इन ब्लॉक्स को अब आपको ब्रेक कर देना है, 4, 5, 6, 7 एंड 8, सिर्फ उस ब्लॉक को छोड़ के मिडल वाले को, बाकी सबको ब्रेक कर देना है। आप चाहें तो मिडल वाले को भी तोड़ सकते हैं, बट उससे कोई खास डिफरेंस आएगा नहीं, उसे तोड़े या ना तोड़े आप पर डिपेंड करता है, कम्प्लीटली ऑप्शनल। अब आपको करना क्या है, अब बारी आती है हॉपर्स की। आपको ये वाला ब्लॉक निकालना है और हॉपर्स को प्लेस करना शुरू करना है। ये 3 ब्लॉक्स आपको निकालने हैं और यहाँ पर आपको हॉपर्स को प्लेस करना है। पहला हॉपर तो जाएगा ऐसे, शिफ्ट दबा के आपको हॉपर को प्लेस करना है, सामने वाले ब्लॉक में जाएगा पहला हॉपर जहाँ पर हम चेस्ट प्लेस करेंगे, और बाकी 2 हॉपर्स इस हॉपर के अंदर शिफ्ट दबाकर इस हॉपर पर आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक। तो ये हो गए 3 हॉपर्स हमारे प्लेस। अब मैं इस रूम को फर्दर थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, लेट्स क्रिएट सम मोर रूम। अब ये जो जगह बसती है यहां पर आपको इस ब्लॉक को निकालकर यहां पर हमने जो चेस्ट बनाई थी वो चेस्ट को प्लेस कर देना है। आप चाहे सिंगल चेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, डबल चेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं सिंगल चेस्ट का यूज कर रहा हूँ, फिलहाल बनाई तो डबल थी बट अभी फिलहाल सिंगल ही काफी है। मैं इस रूम को थोड़ा सा और एक्सपैंड कर लेता हूँ टू गेट मोर वर्केबल स्पेस। तो इतनी चीज कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, अब हमारी यूज आने वाला है स्लैब्स का, जो हमने स्लैब्स बनाई थी। आपको स्लैब्स जो है चेस्ट के ऊपर वाले ब्लॉक के कुछ इस तरह से प्लेस करनी है। ये हो गई 3 स्लैब्स और बाकी 3 स्लैब्स लगानी है आपको इस वाले ब्लॉक पर। यहाँ पर हम स्लैब्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब स्पाइडर्स पानी से फ्लो होकर ये जो स्ट्रीम आ रही है ना इस तरफ, यहाँ इस जगह पर आएंगी स्पाइडर्स, तो वो ऊपर क्लाइंब करने की कोशिश करेंगी और यहाँ पर स्टक हो जाएंगी इस स्लैब्स की वजह से। क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया स्पाइडर्स जो है वो ऊपर तो क्लाइंब कर सकती हैं बट नीचे नहीं आ सकती हैं, तो एक बार स्पाइडर्स ऊपर क्लाइंब कर गई तो पीछे जाने की वो कोशिश कितनी भी कर लें बट नहीं जा पाएंगी बिकॉज ऑफ दीज स्लैब्स। तो ये स्लैब्स हमने इसलिए लगाई हैं। आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, ट्रैप डोर्स का यूज़ करना है। ट्रैप डोर्स को इस वाली स्लैब के ऊपर कुछ इस तरह से लगाना है, 2, 3। अब बाकी ट्रैप डोर्स 1, 2, 3 कुछ इस तरह से आपने ट्रैप डोर्स लगा दी, तो ये हमारी वो जगह बन चुकी है जहाँ पर हम फाइनली स्पाइडर्स जब आएंगी उन्हें मारेंगे, किल करेंगे फॉर दैट ईएक्सपी। तो आप अंदर वाले रूम को आप अपनी मर्जी से अपने काम के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा चाहें जितना चाहें उसके अंदर वर्क लगा सकते हैं टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल। बट एक चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको कि अंदर लाइट लेवल जो है वो कम से कम रहना चाहिए सो दैट हमारा स्पॉनर जो है वो इफेक्ट ना हो,
क्योंकि अगर स्पॉनर के अंदर लाइट लेवल 7 से थोड़ा सा भी ऊपर गया तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और स्पाइडर्स जो है स्पॉन नहीं होंगी। सो गाइस अब हमें अगली चीज जो करनी है वो क्या करना है, स्पॉनर रूम के अंदर जाकर उन टॉर्चेस को रिमूव करना है, और उन टॉर्चेस के रिमूव करते ही यहाँ पर जो है स्पाइडर स्पॉन होने शुरू हो जाएंगे इन नो टाइम। सो मैं फटाफट से जाकर टॉर्चेस को रिमूव करता हूँ। सो देयर वी गो गाइस, यहाँ पर आना है और आपको बस टॉर्चेस को रिमूव करना है। सो ये मैंने ऑलमोस्ट सारी टॉर्चेस रिमूव कर दी हैं और आप देख सकते हैं स्पाइडर्स स्पॉन होनी शुरू हो गई हैं। अब फटाफट से यहाँ से निकलते हैं हम लोग, सो दैट हम इनका शिकार होने से बच जाएं, और इसको पूरा सील ऑफ कर देना है हमेशा के लिए। दिस इज़ द लास्ट टाइम हम लोग इस रूम को देख रहे हैं, इसके बाद कभी नहीं देखेंगे। सो मैंने वो किया बंद, अब फटाफट से जाकर अपने फार्म पर देखते हैं। आई होप वहाँ पर स्पाइडर्स इकट्ठी होनी शुरू हो गई होंगी। सो देयर वी हैव, सो गाइज आप लोग देख सकते हैं स्पाइडर्स ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं। जैसा कि मैंने बोला था, सीलिंग की तरफ क्लाइम करने की कोशिश करेंगी और यहाँ पर स्ट्रक हो जाएंगी। आप लोग यहाँ से इन्हें ऐसे करके मार सकते हैं फॉर दोस EXP। अभी हमारे पास स्वॉर्ड जो है वो कुछ खास नहीं है, सिर्फ आयरन की स्वॉर्ड है। आप लोग देख सकते हैं EXP आनी भी शुरू हो गई है, और थोड़ा बेटर इन लोगों को मारने के लिए मैं यहाँ पर स्टेयर्स लगाने वाला हूँ। सो अब मैं डिज़ाइन करता हूँ रूम के इंटीरियर्स। आप इंटीरियर्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं कैसी भी अपनी मर्ज़ी से, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसा आपका मन करे, जो आपका मन करे वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और मेरा वाला डिज़ाइन आप लोग को अभी कुछ ही देर में देखने को मिलेगा। सो गाइज फाइनली हम बैक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी स्पाइडर्स अपनी यहाँ पर कलेक्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं, इन्हें हम अभी मारेंगे जाके। बट पहले मैं आपको रूम का वॉक थ्रू दे देता हूँ। मैंने अपना रूम कुछ इस तरह से बनाया है, यहाँ पे चेस्ट वगैरह लगाई हैं, क्राफ्टिंग टेबल लगाई हैं दो, और अपना आर्मर उतार के आप देख सकते हैं आर्मर स्टैंड बनाकर इस पर रख दिया है। आर्मर स्टैंड बनाने के लिए आपको एक स्मूथ स्टोन की ज़रूरत होती है, जो कि अगर आप कॉबल स्टोन को दो बार स्मेल्ट करेंगे तो आपको इजीली स्मूथ स्टोन मिल जाता है, उससे आप आर्मर स्टैंड बना सकते हो उसका और स्टिक का यूज़ करके। मैंने यहाँ पर स्टेयर्स लगा दिए हैं सो दैट आप यहाँ पर आराम से क्लाइम कर सको और इन स्पाइडर को मार सको लाइक दिस। काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी स्टेयर्स पे से मारने के लिए। अभी हमारे पास जो स्वॉर्ड है वो उतनी अच्छी नहीं है, इस पर कोई एन्चांटमेंट्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं मैं स्टोन की स्वॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए इन्हें मारने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। बाकी अगर आप कोई अच्छी स्वॉर्ड यूज़ करेंगे तो आप इजीली इन स्पाइडर्स को मार सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी घट्टी हो गई हैं। सो दिस इज़ हाउ एफिशिएंट दिस फार्म इज़, आप देख सकते हैं कितना कमाल का फार्म है, इतनी सारी स्पाइडर्स इकट्ठी हो रही हैं और ये कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। स्पॉनर्स के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, स्पॉनर तब तक एक्टिव रहते हैं जब तक आप इसके 16 ब्लॉक्स के रेडियस में हो। अगर आप 16 ब्लॉक के रेडियस से दूर जाते हैं तो स्पॉनर एक्टिव नहीं रहेगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जाकर अपने बेस में बैठ जाता हूँ यहाँ पर स्पाइडर्स इकट्ठी हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। ओ नो, ये क्या हुआ, स्केलेटन कैसे स्पॉन हो गया यार यहाँ पर? तो गाइस ऐसा भी हो सकता है कभी कभी अंदर डार्क होने की वजह से स्केलेटन वगैरह भी स्पॉन हो सकते हैं, बट ऐसा बहुत रेयरली होता है, सो इट्स नॉट एन इश्यू। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आइटम फ्रेम्स वगैरह लगा दिए। सो आई थिंक आज के एपिसोड में इतना ही काफ़ी। आई होप आप लोग को एपिसोड पसंद आया होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि क्या बोलते हैं, आप लोग अगर ये EXP फार्म बनाएंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मैंने बाहर जाने का रास्ता बनाया है, यहाँ पर लैडर्स लगा दिए फिलहाल तो, जिसे हम फ्यूचर में बबल कॉलम से रिप्लेस करने वाले हैं। बस यहाँ पर स्पाइडर्स को मारते रहिए और लेवल बढ़ाते रहिए। सो आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा एपिसोड। मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।